चने के लड्डू। मैं चने साफ़ कर रही हूँ, ये देखो, ये देखिए, ये भूगड़े हैं, भूगड़े भी बोलते हैं इन्हें, भुने हुए। अब इसको हम जार में डाल के पीस लेंगे। पीसने के बाद दो तीन बार मैं हिला हिला के इसको पीस लूँगी। जब ये पीस जाएगा तब मैं एक उसमें डाल लूँगी, परात में डाल लूँगी, उसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा घी। आप चाहे तो ज़्यादा भी घी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कम घी के बनाऊँगी क्योंकि गर्मी है, गर्मी में ज़्यादा घी खाना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो ये मैंने डाल लिया, उसमें मैंने डाल ली है भूरा भूरा और एक कटोरी घी। आप चाहे तो ज़्यादा घी डाल सकते हो, ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको बना सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो कम घी डाल के बनाओगे ना तो ज़्यादा ही अच्छे बनेंगे। ये देखो, क्योंकि गर्मी का मौसम है, ये देखो घी पिघल जाता है इन दिनों में, इसलिए आप इतना ही डालें जिससे लड्डू बने रहें, ठीक है, सेट हो जाए। मतलब इस हिसाब से आपने इसमें घी डालना है। ये लड्डू बन के तैयार हो गए हैं, ये देखो कितने अच्छे बने हैं। देखो इतना घी डालें ताकि ये टूटे भी ना। देखो दो हिस्से किए तो मैंने दो हिस्से में ही टूट गए ये, ठीक है। ये बन के तैयार हो गए हैं, आप इसे ना सर्दी गर्मी बरसात किसी भी मौसम में खा सकते हो, कोई इसका नुकसान तो है नहीं, ठीक है। चाय के साथ, दूध के साथ, देखो मैं तो ना चाय के साथ भी ले लेती हूँ शाम के समय, और खाने में टेस्ट अच्छा।